हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एगलेस डार्क चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बिना अवन के। और इस केक को बनाते वक्त मुझसे क्या गलती हुई ये भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम केक टिन को ग्रीस करेंगे। तो यहाँ मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है, ऑयल लगा कर ग्रीस कर लिया है। नीचे एक पेपर लगाएंगे और पेपर को भी हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो ये हमारा केक टिन बन करके तैयार हो गया। अब केक बैटर बनाने के लिए यहाँ एक मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे 1 कप बिल्कुल गुनगुना गरम दूध, और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून और आधा टीस्पून विनेगर। इसकी जगह आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, 2 मिनट के बाद हमारा बटर मिल्क बन करके तैयार है। इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। इसी के साथ डालेंगे 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। साथ ही में 1 कप यहाँ मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी का पाउडर अच्छी तरह से घुल जाए। अब एक छलनी में यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा। इसी के साथ हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो ज़रूर डालिएगा, उसे केक का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। अच्छी तरह से हम इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को छान लेते हैं ताकि आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, यानी 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया है मैंने। तो अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और केक का एकदम स्मूथ सा बैटर हमें तैयार करना है। तो ये देखिए, एकदम लम्प फ्री स्मूथ बैटर यहाँ हमारा तैयार हो गया है। और जितना मिल्क मैंने ऐड किया था वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो फटाफट से हम केक बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे तैयार किए हुए केक टिन में, और इसके बाद हम इसे 3 से 4 बार टैप कर लेते हैं ताकि जो भी एयर बबल्स है इसके अंदर वो निकल जाएंगे। और दूसरी तरफ कढ़ाई को भी मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। नीचे मैंने नमक डाला है और एक स्टैंड रखा है। इसके ऊपर अब हम केक टिन रख देते हैं और इसके ऊपर वापस से ढक्कन लगाकर हम इसे 40 से 45 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो एग्जैक्ट 45 मिनट बाद जब मैंने इसे चेक किया तो ये देखिए, केक अच्छी तरह से राइज नहीं हो पाया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ढक्कन मैंने लगाया था, ये देखिए, ये ऊपर चिपक गया था इससे। तो आप ये गलती ना करें, आप जो भी ढक्कन ऊपर लगाएं उसकी जो लिड है वो थोड़ी सी ऊँची होनी चाहिए ताकि केक को बेक होने में थोड़ा सा स्पेस मिल पाए। तो वैसे केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है, इसे अब ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम डीमोल्ड करेंगे। और चॉकलेट गनाश बनाने के लिए यहाँ मैंने 50 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है। इसमें ऐड करेंगे 3 छोटा चम्मच दूध और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और डबल बॉयलर में हम इसे मेल्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अभी ये थोड़ी सी पतली लग रही है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो दूसरी तरफ ये देखिए, केक को अच्छी तरह से मैंने ठंडा कर लिया है, तो इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये केक टिन से बाहर निकल आया। तो नीचे जो पेपर लगाया था वो हम हटा देंगे और ये देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक बनकर के तैयार हुआ है। ये देखिए, तो सबसे पहले हम जो केक के ऊपर की अनइवन लेयर है इसे कट करके हटा देते हैं, ये देखिए, ताकि ऊपर से इसे एकदम लेवल इफेक्ट मिल जाए। तो ऊपर की लेयर को यहाँ मैंने कट करके हटा दिया है। अब हम इसकी लेयर्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं केक को 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो 4 लेयर्स बना सकते हैं या फिर 2 लेयर में भी रख सकते हैं। ये देखिए, अंदर से भी कितना सॉफ्ट बना है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, मैंने ये 3 लेयर्स मैंने कट कर ली हैं। अब हम केक को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले केक बोर्ड के ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम और इसके ऊपर हम रखेंगे 1st लेयर। और लेयर को अब हम शुगर सिरप से सोक करेंगे अच्छी तरह से। तो थोड़े से पानी में यहाँ मैंने 1 चम्मच चीनी को घोलकर शुगर सिरप बनाया था। इससे केक को मॉइस्ट करने से केक बहुत ही सॉफ्ट रहता है। अब इसके ऊपर हम व्हिप्ड क्रीम की एक अच्छी सी लेयर लगा लेंगे और इसे चारों तरफ इवेनली स्प्रेड कर लेते हैं। अब केक का फ्लेवर थोड़ा सा बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने बीच में चॉको चिप्स ऐड किए हैं। आप चाहें तो चॉकलेट को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर रख देंगे मिडिल वाली लेयर, ये देखिए, अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और इसे भी शुगर सिरप से सोक करने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे व्हिप्ड क्रीम की अच्छी सी लेयर। और साथ ही साथ मैं साइड्स को भी क्रम कोट करती जा रही हूँ। अंदर भी हम ऐड कर लेंगे चॉको चिप्स और इसके ऊपर अब हम जाएगी फाइनल वाली लेयर, ये देखिए। अब इसे भी हम शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। अब
सबसे पहले हम टॉप को फिनिश करेंगे। तो टॉप पर मैंने काफ़ी सारी विप क्रीम लगाई है और अब इसे हम चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड करके अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम साइड्स पर आएंगे और साइड्स पर भी हम विप क्रीम को लगाने के बाद यहाँ पर मैंने एक कार्ड ले लिया है, ये देखिए, और इससे साइड्स को हम अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। तो पूरे केक को ये देखिए मैंने फिनिशिंग टच दे दिया है। अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमने चॉकलेट गनाश बनाया था उसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और इसके ऊपर इस तरह से हम एक आड़ी टेढ़ी सी लाइन बनाएंगे और इस तरह से हम स्पेस को क्लोज कर देंगे, ये देखिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से। अब इसी से हम साइड्स में ड्रिप्स बना लेते हैं, ये देखिए। तो पूरे केक के चारों तरफ मैं ड्रिप्स नहीं बना रही हूँ, बस एक तरफ मैंने बनाया है और बचे हुए गनाश को हम इस तरह से आधे पार्ट में फिल कर लेंगे और स्पैटुला की मदद से इसे हम इवन कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। और साइड्स को इस तरह से मैंने बनाने के बाद जो बाकी की बची हुई व्हिप्ड क्रीम थी उसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और यहाँ मैंने क्लोज स्टार नोज़ल लिया है, इससे हम ऊपर तीन फ्लावर बनाएंगे और सेम नोज़ल से यहाँ मैं नीचे एक बॉर्डर बना रही हूँ। आप अपने पसंद से कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं, ये देखिए। और ऊपर सेंटर में थोड़ी सी चेरीज प्लेस करेंगे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ा सा चॉकलेट गनाश जो बच गया था उससे हम ये वाइट डॉट्स बना रहे हैं इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से डॉट्स बना देंगे तो केक और भी सुंदर लगेगा देखने में। थोड़े से सिल्वर शुगर बॉल्स मैंने स्प्रेड कर दिए हैं और साथ ही नीचे बॉर्डर में थोड़े से चॉको चिप्स लगा दिए हैं। तो लीजिए, बन करके तैयार है बहुत ही आसान और डिलीशियस सा डार्क चॉकलेट केक। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्त ऐसी ही रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।